कविराज श्यामल दास ने बप्पा रावल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि बप्पा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी महाराजा धीराज हुआ। उसने अपने पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन और पराक्रम को दोबारा प्रकाशित किया जो थोड़े समय तक नष्ट हो गया। अगर ये महाराज सारे हिंदुस्तान का एक ही छत्रधारी न हुआ हो तो भी हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं में अग्रगण्य और बड़ा समझा गया था। इस राजा का बड़ा राज्य होने के बहुत से प्रमाण मिल सकते हैं। और यदि मशहूर किस्से कहानियों को सुनिए तो बप्पा और उसके पोते आदि को हिंदुस्तान का चक्रवर्ती कह सकते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के शब्दों में बप्पा स्वतंत्र प्रतापी और एक विशाल राज्य का स्वामी था। इन विशेष प्रकार की उपलब्धियों को आधार मानकर मैंने भी बप्पा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी माना है। बप्पा निसंदेह राजस्थान के महत्तम व्यक्तियों में से थे। उनके संबंध में दोहराई गई कई दंत कथाओं में वास्तविकता न हो परंतु उनमें छिपे हुए तथ्य भी उसके जीवन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरणार्थ बप्पा का बचपन गाय चराने, हरित ऋषि से भेंट होने, हरित ऋषि द्वारा वरदान देने आदि की कथाओं में उसके उदात्त जीवन के रहस्य छिपे हुए हैं। हरित और एकलिंग भगवान की कृपा के कथानक उसकी धर्म निष्ठा और गुरु भक्ति के द्योतक हैं। उसका पिछले समय में संन्यास लेना ये सिद्ध करता है कि उसको वैभव के समय भी अपने कर्तव्य का गहरा ध्यान था, जिस कारण उसने अपने पद और स्थान संबंधी सुख को त्याग दिया। एक कर्तव्य प्रायण और परंपरा सेवी शासक की भांति राज्य के वैभव से तटस्थ हो गया। उसके द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा और उसमें उत्कीर्ण चिन्ह बापा की संपन्न स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। उनसे ये भी प्रमाणित होता है कि उसके शासनकाल में कला को अद्भुत शक्ति और स्फूर्ति मिली। एक अच्छे विजेता की भांति उसने अपने राज्य को विस्तार कर अक्षुण ख्याति अर्जित की। परंतु इसमें संदेह नहीं कि बप्पा की विस्तार नीति में कुछ ऐसे दोष रह गए उनके कारण मेवाड़ की महत्ता को आगे चलकर अवश्य धक्का पहुंचा। उनके पीछे होने वाले कतिपय शासक निर्बल और निकम्मे थे जिससे गुहिलों की प्रसार नीति सहसा रुक गई। मेवाड़ की पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा के निकट भील शक्ति का संगठन आरंभ हो चला था जिसको वह न रोक सका। शीघ्र ही इनकी छोटों से मेवाड़ शत विक्षत हो उठा। इस कारण निसंदेह हम बप्पा की विजय नीति में व्यवस्था की क्षमता की कमी का अनुभव करते हैं। परंतु ये स्वीकार करना होगा कि मेवाड़ राज्य की शक्ति बप्पा की विजय से ही बड़ी थी। उसने कम से कम गुहादित्य द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को अपनी विजय नीति से संपूर्ण किया। यदि इस विजय का लाभ उसके उत्तराधिकारी महेंद्र और नाग न उठा सके, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वह बप्पा का दोष न था। बप्पा की शक्ति की अपनी सीमाएं थी और उसमें वह सफल विजेता था।